हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द ट्रू फ्रेंड सच्चा मित्र या सच्चा दोस्त अ लॉन्ग टाइम आ गो दे आर लिव्ड अ पेयर ऑफ पेरेट्स ऑन अ ट्री अ लॉन्ग टाइम आ बहुत समय पहले दे आर लिव्ड रहता था पेयर ऑफ पैरट्स तोतों का एक जोड़ा ऑन अ ट्री एक पेड़ पर बहुत समय पहले एक पेड़ पर तोतों का एक जोड़ा रहता था इस सेंटेंस में देर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है और यहाँ पर देर का कोई अर्थ नहीं है ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व का होना या ना होना दिखाया जाता है तो वहां पर देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और वहां पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता लॉन्ग टाइम आगो बहुत समय पहले देयर लिव्ड अ पेयर ऑफ पैरट्स ऑन अ ट्री एक पेड़ पर तोतों का एक जोड़ा रहता था ओल्ड स्नेक ऑल्सो लिव्ड इन ए होल इन द सेम ट्री एक बूढ़ा सांप ऑल्सो भी लिव्ड रहता था इन अ होल एक बिल में इन द सेम ट्री उसी पेड़ में इन द सेम ट्री उसी पेड़ में एक बूढ़ा सांप भी उसी पेड़ के एक बिल में रहता था द स्नैक वॉज टू वीक टू गो आउट to look for food, to look for तलाश करना फूड भोजन The snake was too weak सांप था टू वीक अत्यधिक to go out बाहर जाने के लिए Saab भोजन तलाश करने बाहर जाने के लिए अत्यधिक कमजोर था सो द पेरट्स यूज़ टू लीव सम फूड फॉर हिम नियर द होल इसी लिए तोते यूज़ टू लीव छोड़ दिया करते थे यूज़ टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनीटेंस में किसी सब्जेक्ट की आदत दिखाने के लिए किया जाता है इसी लिए तोते समूड थोड़ा भोजन छोड़ दिया करते थे फॉर हीम उसके लिए नियर द होल बिल के पास इसीलिए तोते बिल के पास थोड़ा भोजन उसके लिए छोड़ दिया करते थे द स्नैक वॉज ग्रेटफुल टू द पेरेट्स सांप तोतों का आभारी था ग्रेटफुल आभारी या एहसानमंद. सांप तोतों का आभारी था वन डे एक दिन वल्चर वॉज हॉवरिंग ओवर द पेरेट्स एक गिद्ध वॉज हॉवरिंग मंडरा रहा था ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ओवर द पैरट्स तोतों के ऊपर ओवर यहां पर प्रेपोजिशन है एक दिन एक गिद्ध तोतों के ऊपर मंडरा रहा था जस्ट देन ठीक तभी हंटर केम देयर हंटर शिकारी एक शिकारी वहाँ आ गया ही एम्ड हिज एरो वन ऑफ द पैरट्स उसने अपने तीर का एम्ड निशाना लगाया एट वन ऑफ द पैरट्स एक तोते पर उसने एक तोते पर अपने तीर से निशाना लगाया बट द स्नेक नोटिस्ट हिज फ्रेंड्स वर इन डेंजर लेकिन द स्नेक नोटिस्ट सांप ने देख लिया हिज फ्रेंड्स वर इन डेंजर कि उसके मित्र खतरे में हैं हम इसको ट्रांसलेशन इस प्रकार से करते हैं सिक्वेंस ऑफ टेंस है जब पहले वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में बनता है भले ही हम उसको ट्रांसलेट प्रेजेंट में कर रहे हों बट द स्नेक नोटिस्ड लेकिन सांप ने देख लिया हिज फ्रेंड्स वर इन डेंजर कि उसके मित्र खतरे में हैं एंड बिट द फूट ऑफ द हंटर टू सेव देम टू सेव देम उनको बचाने के लिए बिट यहाँ पर बिट बाइट की सेकेंड फॉर्म है काट लिया द फूट ऑफ द हंटर शिकारी के पैर पर काट लिया टू सेव दैम उनको बचाने के लिए एंड बिट द फूट ऑफ द हंटर टू सेव दैम और उनको बचाने के लिए शिकारी के पैर पर काट लिया द स्नेक्स बाइट रुवेंड द हंटर्स एम एंड द दरो स्ट्रक वल्चर इंस्टेड द स्नेक्स बाइट सांप का काटना स्नेक्स स्नेक के बाद अपोस्ट्रोफी एस है जो काकी के लिए प्रयोग होता है सांप के काटने ने रुवेंड खराब कर दिया द हंटर्स एम रुवेंड खराब कर दिया बिगाड़ दिया शिकारी के लक्ष्य को हंटर्स एम द स्नेक्स बाइट सांप के काटने ने रोवें द हंटर्स एम शिकारी के लक्ष्य को खराब कर दिया एंड द एरो स्ट्रक द वल्चर इंस्टेड इंस्टेड के स्थान पर जो तीर तोते को लगना था उसके स्थान पर द एरो और तीर स्ट्रक लग गया स्ट्रक स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है द वल्चर इंस्टेड और तीर गिद को लग गया बाय सेविंग देयर लाइव्स लाइव्स यहां पर लाइफ की लाइफ का बहुवचन है एल आई एफ ई लाइफ जिन शब्दों के बाद में एफ या एफ ई आता है उनका बहुवचन बनाने के लिए वी ई एस लगाते हैं बाई सेविंग their lives, उनका जीवन बचा कर द showed शोड दैट ही वॉज true ट्रू फ्रेंड सांप ने दिखा दिया शोड प्रदर्शित कर दिया या दिखा दिया दैट की ही वॉज आ ट्रू फ्रेंड कि वह एक सच्चा मित्र है दैट से पहला वाक्य हमारा पास्ट का है तो इसको भी हम सिक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाते हैं पास्ट में जबकि कहते हैं हम इसको प्रजेंट में बाई सेविंग देयर लाइव्स उनका जीवन बचा कर सांप ने दिखा दिया कि वह उनका वह वॉज अ ट्रू फ्रेंड कि वह एक सच्चा मित्र है मोरल ऑफ द स्टोरी आ ट्रू फ्रेंड इज द मोस्ट वैल्यूएल सच्चा मित्र इज द मोस्ट वैल्यूएबल सबसे बहुमूल्य सबसे कीमती संपत्ति होती है यही इस स्टोरी का मॉरल है एक सच्चा मित्र इज द मोस्ट वैल्युएबल एसेट एक सच्चा मित्र सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है